के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बॉयल का नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 केमिस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयल का नियम क्या है, गणितीय व्यंजक उत्पन्न कीजिए, किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है इसके बारे में मैं आपको बताते हुए चलूंगा, और किस प्रकार से आपको एग्जाम में आंसर लिखने ये भी आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए ये सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन मैं बता रहा हूँ आप कॉपी पेन साथ में लेके रखिए और इसको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको बार बार इसमें से कोई भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन ना रहेगा, ताकि आप अपने कॉपी में नोट करके रखेंगे तो वो आपको रिवाइज करने के लिए फायदे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो बॉयल का नियम सबसे पहले मैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो जल्दी से। तो बॉयल का नियम क्या है, सबसे पहला तो इसका नियम आप लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों, इस नियम के अनुसार यहाँ पर ताप स्थिर रहता है हमेशा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी गैस की, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, ठीक है दोस्तों। आयतन को डिनोट करते हैं वी से, आयतन जो होता है दाब पी के, दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है बोला जाता है, दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर से अपन तो बॉयल के नियम का गणितीय व्यंजक अतः गणितीय स्वरूप में इस प्रकार से नोट करेंगे, अतः गणितीय रूप, अतः गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर दाब पी के है ना, दाब पी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आयतन जो होता है दोस्तों दाब पी के क्या होता है बोल रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती, तो आपने लिख दिया। और यहां पर क्या चीज स्थिर बोला मैंने, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, क्लियर है बात दोस्तों। तो यहां पर से पी जो आपने लिखा है व्युत्क्रमानुपाती में है ना, उसको आप किस प्रकार से आपको नोट करने हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये साइन हटेगा तो आपको पता है इज इक्वल टू के इंटू वन अपॉन वी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर से क्या लिखना है आपको, पी इज इक्वल टू, यहां पर से पी इज इक्वल टू के इंटू वन अपॉन वी आ गया है ना, पी इज इक्वल टू के इंटू वन अपॉन वी। तो आप इसको अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके है ना, यहाँ पर ये भाग में है तो ये किस में चले जाएगा, गुना में चले जाएगा, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, K, PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, K। अब फिर से वही, यदि प्रारंभिक स्थिति पर, यदि प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति पर दाब जो हो जाए P1 हो जाए तथा आयतन वी वन हो, तो आयतन वी वन हो तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, पी वन वी वन इज इक्वल टू के, समीकरण नंबर इसको दे दीजिए एक, यदि अंतिम स्थिति में, यदि अंतिम स्थिति में, अंतिम स्थिति में क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, दाब पी टू, आयतन V2 हो तो, आयतन V2 हो तो इसको कैसे लिखेंगे, P2 V2 इज इक्वल टू K, समीकरण नंबर दो, ठीक है। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से, तो समीकरण एक व दो से K की क्या हो जा रहा है दोस्तों, कैंसर, तो आपके पास क्या बच जा रहा है, पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, यही बॉयल के नियम का गणितीय व्यंजक है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद हम नेक्स्ट और भी गैसीय समीकरण के बारे में देखेंगे। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, थैंक यू।